Press the bell icon of the ePaathshala channel and never miss another update. हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपका ई पाठशाला के चैनल पे। साथियों, हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे और हिस्ट्री में हमने क्लास 12th की हिस्ट्री स्टार्ट कर रखी है और अब हम 13 चैप्टर तक पहुंच गए हैं। 12th चैप्टर तक आपको वीडियो की प्लेलिस्ट के अंदर पूरी की पूरी हर एक पार्ट की वीडियो मिल जाएगी। वैसे तो ये चैप्टर पूरा का पूरा महात्मा गांधी पे बेस्ड है, जो राष्ट्रवादी आंदोलन से रिलेटेड है। इस चैप्टर के अंदर हम पूरी तरीके से जो महात्मा गांधी ने राष्ट्रवादी आंदोलन चलाए थे और इवन महात्मा गांधी के बारे में भी हम बहुत डीपली इस चैप्टर के अंदर पढ़ने की कोशिश करेंगे। जब गांधी जी की एंट्री होती है 1915 के अंदर और जब देश आज़ाद होता है 1947 तक, तो इस महान नायक के बारे में इस चैप्टर के अंदर बताने की कोशिश की जा रही है। एज एग्जाम्पल अगर मैं आपको बात करूँ अमेरिका की, तो अमेरिका के अंदर आप सभी को पता है कि अमेरिका के अंदर बहुत फेमस है हमारे जॉर्ज वॉशिंगटन, और वियतनाम के अंदर बहुत फेमस है हमारे हो ची मिन्ह। और ऐसे ही हमारे देश के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी, उसके सबसे बड़े जो पिता माने जाते हैं वो हमारे महात्मा गांधी जी, वॉज द फादर ऑफ द नेशन, ये माने जाते हैं। इसका रीज़न बहुत ही क्लियर है। समाज के अंदर आप सभी को पता है कि इतनी बड़ी लड़ाई थी, जो कभी 1757 के अंदर ये बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई थी पर कामयाब नहीं हुई। उसके बाद 1857 के अंदर बैटल ऑफ रिवॉल्ट लड़ा गया था अंग्रेज़ों के खिलाफ मंगल पांडे के थ्रू, फिर भी क्रांति सक्सेसफुल नहीं हुई। लेकिन फिर साबरमती के संत ने ऐसा कमाल करा कि 1915 के अंदर इन्होंने एंट्री मारी भारत के अंदर और फाइनली उन्होंने देश को आज़ाद करने के लिए बहुत लंबी मुहिम छेड़ दी। इस चैप्टर के अंदर बहुत कुछ है, बहुत कुछ आपको मसाला देखने को मिलेगा इस चैप्टर के अंदर। वो ये है कि भारतीय राष्ट्रवादी जो आंदोलन है उसका विकास कैसे हुआ। एज एग्जाम्पल के लिए मैं अगर आपको बोलूँ, जो ब्रिटिशर्स होते थे, जो इंग्लैंड के लोग होते थे, ये इंग्लिश लोग जो होते थे, ये लोगों को उस टाइम पे बहुत छोटे लोग माना करते थे और इनको इंसाफ के नाम पर कुछ भी नहीं मिलता था। ऐसी हुआ क्या कि बड़े बड़े देसी रियासतों ने, बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स ने, सभी ने मिलके एक पार्टी बनाई जिसे क्या बोला जाता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनाई गई थी। इसका मेन मकसद यही होता था उस अर्ली टाइम पीरियड पे, जब राष्ट्रवादी आंदोलन नहीं स्टार्ट हुए थे, मैं उससे पहले की बात बता रहा हूँ आपको, उस टाइम पे अंग्रेज़ों से इंसाफ दिलाने के लिए, गरीब लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस होती थी वो काम करती थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर हमारे रिटायर्ड जो ऑफिसर थे जिन्होंने इसकी स्थापना करी थी, जिसे फादर ऑफ द कांग्रेस बोला जाता है, वो है A.O. ह्यूम, ये नाम है। और उस समय पर अर्ली टाइम पीरियड पर यही पहली कमेटी बनाई गई थी जो भारतीयों के जजमेंट के लिए, भारतीयों के जस्टिस के लिए जो था वो लड़ा करती थी। तो न्याय दिलाने का काम उस टाइम पे इन्हीं लोगों का था। इसी वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे आज आप कांग्रेस के नाम से जानते हैं, कभी उसकी स्थापना जो थी 1885 में भारत में हो चुकी थी। मेन मकसद गरीब दबी कुचली जनता को इंसाफ दिलाना। अब अगर मैं ग्रोथ की बात करूं, जो नेशनल मूवमेंट ग्रोथ स्टार्ट हुआ था, वो ऐसा नहीं था कि गांधी जी से पहले स्टार्ट नहीं हुआ था। गांधी जी की एंट्री तो हुई थी 1915 के अंदर, लेकिन इसके तीन पहरा हैं जिससे हम बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कि भारत के अंदर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने नेशनलिज्म को कैसे पैदा करा और उसके बाद धीरे धीरे करके कैसे गांधी का पीरियड आया, कैसे क्या आया। तो सबसे पहले आया मॉडरेट पीरियड। मॉडरेट पीरियड था नरमपंथी काल। ये ऐसा काल था जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ही मान लीजिए, इनका मेन काम क्या होता था, लोगों को जस्टिस तो दिलाना है, लोगों को जस्टिस तो दिलाना है, लेकिन वो इंग्लिश जो ब्रिटेन के लोग होते थे उनसे कभी फालतू बोल के ये लोग उनको जस्टिस नहीं दिलाते थे। एंड देन फाइनली देश के अंदर फिर से एक्सट्रीमिस्ट पीरियड आया, जिसे गरम दलीय काल कहा गया, जिसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है फेमस लोग थे जैसे लाल और उसके बाद बाल एंड पाल के नाम से उसे जाना गया। लाल बाल पाल कौन थे? लाल मतलब लोकमान्य बाल गंगाधर, तो लाला लाजपत राय जिसे लाल बोलते हैं, बाल बोलते हैं लोकमान्य बाल तिलक, और
पाल बोलते हैं, बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल। तो ये तीन व्यक्ति जो थे वो एक्सट्रीमिस्ट पीरियड के टाइम पे आए थे देश के अंदर। और इनका मेन मकसद क्या था? इनका मेन मकसद था अंग्रेजों से डंके की चोट पे लोगों को इंसाफ दिलाना और देश के अंदर इन लोगों को यहाँ से भगाना। एंड देन फाइनली गांधी जी केम इन इंडिया, जैसे गांधी युग बोला जाता है। और ये पूरा का पूरा सत्याग्रह युग था, अहिंसा से भरा हुआ नहीं था, यानी कि ये बिल्कुल इनके अपोजिट माने गए, समझ रहे हैं ना? क्योंकि एक आंख के बदले अगर एक आंख दे दी जाएगी तो गांधी जी का मानना था कि पूरा देश ही अंधा हो जाएगा। इसीलिए गांधी का युग जो था ना, इसे गांधियन एरा कहा गया। वो लगभग 1917 के बाद 1977 1947 तक ये रहा। तो महात्मा गांधी, देखिए बहुत सारे स्वतंत्रता संग्रामी जो थे हमारे स्वतंत्रता के टाइम पे, बहुत सारे अनलिमिटेड लोग हैं जिनका नाम आप शायद से आप जानते भी नहीं होंगे। लेकिन भाई सिंपल सी बात है, जो सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस करता है इंसान उसी को जानता है। इसलिए महात्मा गांधी सभी नेताओं में से सबसे प्रभावशाली और श्रद्धेय व्यक्ति थे जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल के खिलाफ बहुत ज़्यादा मेहनत करी। सो दैट इज़ वाई गांधी जी की शुरुआत जो होती है महात्मा गांधी की, वो ऐसे ही नहीं होती है। साबरमती का संत जो था 1915 के अंदर अपने भारत के अंदर दक्षिण अफ्रीका से लौट के आता है, और फाइनली 1916 के अंदर साबरमती आश्रम जाता है जहाँ पे वो रहता है। और उसके बाद इनके पॉलिटिकल गुरु, क्योंकि गांधी जी को अर्ली टाइम पीरियड पे कुछ भी नहीं पता था कि देश के अंदर सिस्टम क्या चल रहा है, कैसे सिस्टम क्या चल रहा है, कौन हेड है, कौन क्या है, कौन क्या नहीं है। तो गोखले जो थे, गोखले उनके पॉलिटिकल गुरु माने जाते हैं। और उन्होंने सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट करा था वो सत्याग्रह से करा था। सत्याग्रह क्या है उसके लिए ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। सत्याग्रह का मतलब होता है सच के रास्ते पे चलना, सत्य के रास्ते पर चलना। तो इतना बड़ा इशू नहीं है, आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, सत्य के रास्ते पे चलना, वॉक ऑन द पाथ ऑफ ट्रूथ। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो था इन्होंने ही करा था। वैसे तो सत्याग्रह का इन्होंने एक्सपेरिमेंट साउथ अफ्रीका के अंदर भी कर दिया था, लेकिन इंडिया के अंदर भी इन्होंने सत्याग्रह का एक्सपेरिमेंट करा और इसी के थ्रू हमारे देश को इन्होंने आज़ादी दिलाई। गोखले का कहना यही था कि गांधी जी अगर आपको जानना है पूरा भारत कैसा है तो 1 साल तक आपको पूरा भारत को घूमना होगा, ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, जहाँ जहाँ ब्रिटिश इंडिया का इलाका है वहाँ वहाँ से लोगों के पास जाओ, नॉलेज लो वहाँ की, वहाँ के लोगों के बारे में जानो, वहाँ की ज़मीनें कैसी है, वहाँ की सिचुएशन कैसी है। तो भाई फाइनली गांधी जी निकल लिए अपने ट्रैवलिंग के अंदर। और गांधी जी ने, क्योंकि अब उन्होंने कसम खा ली थी कि देश को आज़ाद कराना है और कुछ ना कुछ हमें यहाँ पे अंग्रेजों को भगाने के लिए कहीं ना कहीं से स्टेप लेना पड़ेगा। तो ये गांधी जी के बारे में था। अब गांधी जी ए लीडर अनाउंस हिमसेल्फ। अब गांधी जी मोहनदास करमचंद गांधी वैसे तो विदेश गए थे 2 दशक तक, लगभग 20 साल तक वो वहीं पे रहे थे, और लगभग जनवरी 1915 के अंदर ये भारत लौटे थे। इन वर्षों में अधिकांश हिस्सा जो है काफ़ी कुछ बदल चुका था। वैसे तो दक्षिण अफ्रीका गए थे वो वकालत करने के लिए, लेकिन जब वो भारतीय समुदाय के नेता से मिले तो उसके बाद उन्हें पता चला कि देश के अंदर स्थिति बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। तो यहाँ पे चंद्र देव सेन जो है, ये बहुत फेमस व्यक्ति है, चंद्र देवन सेन जो है, इन्होंने एक टिप्पणी करी। इन्होंने बताया कि दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो महात्मा थे ना, दक्षिण अफ्रीका ने ही उनको महात्मा बनाया, समझ रहे हैं? महात्माओं का निर्माण जो है दक्षिण अफ्रीका ने ही करा। उसका रीज़न ये था कि दक्षिण अफ्रीका के अंदर ही सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह जैसे मूवमेंट को चलाया था, और सत्याग्रह का मूवमेंट जो था उन्होंने सबसे पहले वहीं पे इम्प्लीमेंट करके दिखाया। तो दैट इज़ वाई सत्याग्रह का मूवमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। और महात्मा बनाने के लिए दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो आंदोलन करे गए थे, अहिंसात्मक आंदोलन करे गए थे, वो कहीं ना कहीं उनको यूज़फुल रहा महात्मा गांधी जी के लिए। तो अहिंसक और विद्रोह जो है वो सत्याग्रह एक तकनीक है, उसी के लिए चलाया जाता है। सत्याग्रह के अंदर अगर आप अहिंसा के खिलाफ कोई लड़ाई लड़ रहे हैं तो आपको फिजिकल कुछ भी पावर की ज़रूरत नहीं है, फिजिकल पावर की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसमें आप सिर्फ और सिर्फ सच के रास्ते पे चलेंगे और अपनी जीत हासिल करेंगे। अब यहाँ पे धर्मों के बीच जो लड़ाइयाँ होती थी उसको, उसके बीच में जो सामंजस्य हारमोनी जो बैठाते थे उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता था यहाँ पर। और निम्न जाति के भारतीयों को निम्न जाति और महिलाओं के साथ जो भेदभावपूर्ण व्यवहार होता था
उसके लिए उन्होंने सचेत कराया लोगों को कि इंडियन कास्ट, अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में कितना ज़्यादा वुमेन्स के साथ भेदभाव होता है। तो धीरे धीरे करके इन्होंने अंग्रेजों को क्या कहते हैं, हल्का हल्का धीरे धीरे करके इन्होंने देखा। और फिर फाइनली उन्हें समझ में आया कि भाई भारत जो मैं 1893 में छोड़ के गया था, वो सही मायने में 1915 के अंदर भारत की स्थिति वैसी नहीं है। अब भारत के अंदर अब इस टाइम पीरियड पे अंग्रेजों ने वैसे तो पॉलिटिकल पावर बना रखी थी, लेकिन अब पॉलिटिकल पावर और ज़्यादा सक्रिय हो चुकी है, मोर एक्टिव हो चुकी है, जबकि पहले अंग्रेजों की पॉलिटिकल पावर इतनी नहीं थी। अब यहाँ पे अंग्रेज जो है अपनी कॉलोनीज बना के प्रॉपर बेस पे रह रहे हैं, और कॉलोनी बना के साथ साथ अधिकांश हिस्सा जो होता था कस्बों का, शहरों का, उन सब का अंडरटेकिंग सरकार के हाथों में, यानी कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट के हाथों में होता था। तो इसीलिए धीरे 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 कर कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कभी इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई थी, तो उन्होंने अपनी शाखाएं जो थी शहरों के अंदर और कस्बों के अंदर इन्होंने फैलानी चालू कर दी। इससे मेन मकसद क्या होता था, मेन मकसद यही होता था कि भाई जो स्वदेशी आंदोलन बाद में हुआ जाके फ्यूचर आने वाले समय में, उसका फ़ायदा इनको ये मिला कि ये नॉर्मल पर्सन जो निचली जाति के लोग थे, यानी कि जो काफ़ी निचले वर्ग के लोग थे, उनसे इंडियन नेशनल कांग्रेस जुड़ पाई। यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उसकी स्टैब्लिशमेंट तो 1885 के अंदर हो गई थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इस समय पर 1885 के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस की कोई प्रॉपर मीटिंग नहीं होती थी। अब प्रॉपर मीटिंग ना होने की वजह से देश के अंदर बहुत सारी समस्याएं होती रहती थी, लेकिन जब गांधी जी आ गए तो उसके बाद इसकी प्रॉपर मीटिंग होनी चालू हो गई। आप सभी को पता है कि लखनऊ पैक्ट हुआ था, उसके बारे में देखेंगे, होम रूल मूवमेंट हुआ था वो है, एंड देन इसके करते करते फाइनली राइज ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, क्रांतिकारी आंदोलन स्टार्ट हो चुके थे। एंड देन एक टर्निंग पॉइंट आया उनकी लाइफ का, वो था BHU के अंदर दी गई स्पीच। BHU जो है वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इंग्लिश में बोलते हैं, इसलिए BHU हो गया। एक्चुअली यहाँ पर भी इनको आमंत्रित करा गया था, फरवरी 1916 की बात है जिस समय पे बनारस के अंदर इनको बुलाया गया था। यहाँ पे एक्चुअली बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन हो रहा था, और यहाँ पर बहुत से राजे रजवाड़े और जो मानव प्रेमी और राजा थे, उन सभी के डोनेशन से ये हिंदू विश्वविद्यालय जो था वो चलता था। एनी बेसेंट जो कांग्रेस की इतनी बड़ी महत्वपूर्ण नेता थी, इवन वहाँ पे भी उपस्थित थी। गांधी जी को उस समय पे क्या कहते हैं, इतने लोग जानते नहीं थे, क्योंकि गांधी जी इतने फेमस उस समय पे नहीं थे। फाइनली हुआ क्या, गांधी जी को यहाँ पे इसलिए बुलाया गया था क्योंकि वहाँ पर भारतीय राष्ट्रवाद के लिए बात हो रही थी, एक विशिष्ट घटना थी वो, जहाँ पे वकील, डॉक्टर, जमींदार ये सब यहाँ पे आ रहे रखे थे। और गांधी जी को सिर्फ और सिर्फ इसलिए बुलाया गया था क्योंकि गांधी जी जो थे ना, गांधी जी वो पूरी तरीके से दक्षिण भारत, अफ्रीका के अंदर, आपको पता है ना उन्होंने क्या करा था साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका के अंदर उन्होंने सत्याग्रह चलाया था। सत्याग्रह चलाने की वजह से गांधी जी को यहाँ पर सम्मानित करने के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इसको बुलाया गया था, गांधी जी को बुलाया गया था यहाँ पर, ठीक है। तो इस वजह से फाइनली गांधी, सारे नेता अपने अपने स्पीच देते थे, तो 1916 के अंदर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर जो गांधी जी का भाषण था ना, वो गरीब होने की चिंता के साथ साथ उन्होंने भारतीय अभिजात वर्गों के ऊपर आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि भारत के अंदर जो राष्ट्रवादी आंदोलन है ना, वो जब तक सक्षम नहीं हो सकता है जब तक हमारे देश के अंदर जो निचला वर्ग है, आप उसकी मेहनत का पैसा उस तक नहीं पहुंचा देते हैं जब तक कुछ नहीं हो सकता, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे करते 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 फाइनली लखनऊ पैक्ट आया दिसंबर 1916 के अंदर, और फिर फाइनली फिर वो वहाँ से वो चंपारण की तरफ चले गए थे, वो स्टोरी अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पर गरीबों की चिंता के लिए गांधी जी ने याद दिलाया लोगों को, गांधी जी ने उन लोगों को याद दिलाने के लिए चुना जिसमें किसान, श्रमिक, भारतीय आबादी, जिनकी जनसंख्या तो बहुत ज़्यादा है लेकिन वैल्यू उनकी बहुत कम है। देख रहे हैं, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है पर वैल्यू इनकी बहुत ज़्यादा कम है। तो इसी वजह से गांधी जी का ये सार्वजनिक जो भाषण दिया गया था वो इनको फेमस कर गया, और इन्होंने इस सार्वजनिक घोषणा के अंदर राष्ट्र की एकता के ऊपर बात करने की कोशिश करी।
उन्होंने कोशिश करा कि जो हमारे समाज का सबसे निचला वर्ग है हमें उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। इस तरीके से महात्मा गांधी धीरे धीरे करके कांग्रेस की नज़रों में आए। कांग्रेस के अंदर मीटिंग्स होनी चालू हो गई। कांग्रेस ने छोटे छोटे शहर और छोटे छोटे कस्बों के अंदर अपने जो उनके निर्माण करने चालू कर दिए, ऑफिसेज निर्माण करने चालू कर दिए। इस तरीके से एंट्री इन द पॉलिट इंडियन पॉलिटिक्स जो गांधी जी की एंट्री थी वो हुई। फिर धीरे धीरे करके गांधी जी फेमस होते चले गए, तो इसी वजह से चंपारण एपिसोड जो है वो हमें देखने को मिलता है, हमें खेड़ा सत्याग्रह देखने को मिलता है, हमें अहमदाबाद मिल स्ट्राइक देखने को मिलती है, एंड फाइनली सत्याग्रह जो रॉलेट एक्ट चलाया गया था उसके खिलाफ। तो एक्चुअली हो क्या रहा था, लखनऊ पैक्ट के अंदर दिसंबर 1916 के अंदर बात हो रही थी, और फाइनली यहाँ पे लखनऊ से उन्होंने क्या कहते हैं मुजफ्फरपुर गए, और मुजफ्फरपुर से उन्होंने पटना के लिए ट्रेन पकड़ी। चंपारण एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग टर्निंग पॉइंट था उनकी लाइफ का, क्योंकि गांधी जी एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने सत्याग्रह तो साउथ अफ्रीका में पहले चलाया था, लेकिन सत्याग्रह इंडिया के अंदर नहीं चलाया था। इस वेपन का इस्तेमाल इन्होंने इंडिया के अंदर नहीं करा था। तो चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट था जिसकी वजह से हुआ क्या, राजकुमार शुक्ला जी जो थे वो इनको, राजकुमार शुक्ला जी कहाँ से लेके गए, राजकुमार शुक्ला जी वो लेके गए लखनऊ से इनको, ठीक है। राजकुमार शुक्ला जी आप देख लीजिएगा आपको मिल जाएगा। राजकुमार शुक्ला जी काफ़ी समय तक इनका भाषण सुनते थे, और फाइनली उन्होंने एक बात कह दिया था कि आप चंपारण आइए। चंपारण वैसे तो बिहार के अंदर है, मैं आपको बता दूं बिहार के अंदर डिस्ट्रिक्ट है चंपारण, ठीक है। चंपारण के अंदर एक गांव था मोतिहारी, मोतिहारी थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज है थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो मोतिहारी गांव के अंदर प्रॉब्लम ये चल रही थी कि एक तो यहाँ पे हाइजीन प्रॉब्लम बहुत खतरनाक था, व्यवस्था अंग्रेजों के द्वारा कुछ भी नहीं थी, लेकिन एक सिस्टम चलाया हुआ था कि बिहार के अंदर इंडिगो कॉर्प जो प्लांटेशन है वो करना ही करना पड़ेगा। यूरोपियन मालिक कहते थे किसानों को कि भाई आपको आपको क्या कहते हैं इंडिगो प्लांटेशन करना पड़ेगा। गांधी जी के लिए चंपारण एपिसोड इसलिए टर्निंग पॉइंट बना कि गांधी जी ने इससे पहले तो साउथ अफ्रीका के अंदर सत्याग्रह चलाया था, लेकिन जब उन्होंने बिहार की स्थिति देखी, बिहार के अंदर किसानों की स्थिति देखी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, कि वो बद से बदतर थी। प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि बिहार में इंडिगो प्लांटेशन किसानों से ज़बरदस्ती करवाया जा रहा था। 1918 की बात थी ये, जहाँ पर किसान को एक सिस्टम के तहत, थिंकतिया सिस्टम बोलते हैं इसको, इस सिस्टम के तहत 3/20 हिस्से पर उन्हें इंडिगो खेती करने के लिए मजबूर करा जा रहा था। इंडिगो खेती करने का मतलब ये था कि आपको पहले भी पता है जमींदार जो होते थे वो क्या करते थे, जमींदार पैसे लेते थे ब्रिटेन जो ब्रिटिश के अधिकारी थे वो कहते थे या तो अब हमें टैक्स दीजिए या हमें पैसा दीजिए, और या तो फिर टैक्स की जगह पे आप हमारे अपनी ज़मीन पे कुछ इस हिस्से पर क्या कहते हैं प्लांटेशन कर दीजिए। प्लांटेशन करना कोई बड़ी बात नहीं थी हमारे किसानों के लिए, क्योंकि हमारा इतिहास ही किसान से रिलेटेड है। किसानों के लिए प्लांटेशन करना बुरी बात नहीं था, लेकिन प्लांटेशन इंडिगो का करना बहुत ज़्यादा बुरी बात थी। उसका रीज़न ये था कि जिस हिस्से पर इंडिगो खेती करी जाती थी उस हिस्से पर क्या कहते हैं नीली खेती के बाद दूसरी खेती करी ही नहीं जा सकती थी, क्योंकि वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी, वो ज़मीनें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। दैट इज़ वाई गांधी जी को अनुरोध करा गया कि आप आइए और चंपारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो प्रॉब्लम है उसे शॉर्ट आउट करिए। तो गांधी जी ने किसानों से अनुरोध करा चलिए चंपारण चलते हैं, और वहां पर इन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट करा। सत्याग्रह इट वॉज द सेकेंड टाइम जब ये सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था, क्योंकि सबसे पहले तो इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के अंदर कर दिया था, लेकिन भारत के अंदर ये दूसरा सत्याग्रह था, यानी कि भारत के अंदर मैं पहला ही बोल सकता हूँ क्योंकि पहला तो कहीं और हो गया था, लेकिन भारत के लिए पहला था ये। तो सत्याग्रह मूवमेंट जो था वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, और चंपारण के अंदर जो तिरहुत डिस्ट्रिक्ट्स है या और जो डिस्ट्रिक्ट्स है उन सभी के अंदर क्या कहते हैं सत्याग्रह चलाया गया, और गांधी जी ने यहाँ पर अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह चलाने के मकसद से इंडिगो खेती को बंद करवाया। और इवन लोकप्रिय समर्थन इसलिए माना जाता है कि अंग्रेज को ने धमकी भी दी गांधी जी को यहाँ से जाने के लिए, पर गांधी जी ने मना कर दिया कि मैं अपने गाँव को छोड़ के अपने इलाके को छोड़कर नहीं जा सकता। इस तरीके से गांधी जी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आपको इसको डीपली समझना है तो आप एक इंडिगो चैप्टर है आपके 12th क्लास के इंग्लिश के चैप्टर में, और आई थिंक वो चैप्टर 5 है, आप चैप्टर 5 इंडिगो चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। एक क्वेश्चन है 12th क्लास में ज़रूर आता है
कि चंपारण एपिसोड जो है गांधी जी के जीवन का टर्निंग पॉइंट क्यों बना, है ना। तो इसीलिए क्योंकि पहला विजय सत्याग्रह जो था भारत के अंदर गांधी जी का, वो कामयाब रहा और अंग्रेजों को झुकना पड़ गया। शायद से अंग्रेजों को भी लगता था ये सिस्टम खराब है इसी वजह से, ठीक है। एंड देन अगेन आते हैं हम खेड़ा सत्याग्रह मूवमेंट की तरफ पे। और खेड़ा सत्याग्रह मूवमेंट जो 1918 में स्टार्ट हुआ, खेड़ा सत्याग्रह की खासियत जो थी वो भी यही थी, सत्याग्रह ही था वहाँ पर। उसमें एक बार क्या हुआ कि फसलें खराब हो गई थी, और फसलें खराब होने की वजह से किसानों की डिमांड ये थी कि उन्हें कर में थोड़ी बहुत छूट दी जाए, यानी कि जो टैक्स देते थे वो लोग जमीनों का, वो टैक्स ब्रिटेन की गवर्नमेंट के द्वारा यानी कि यूके की गवर्नमेंट के द्वारा छूट चाहते थे। लेकिन हुआ क्या, सरकार जो थी टैक्स की कटौती करने में मना कर रही थी कि वो टैक्स की कटौती नहीं करे। क्यों? अंग्रेजों का मेन मकसद है भैया पैसा कमाना, बस और कुछ नहीं था, यहाँ से प्रॉफिट अधिक से अधिक ले जाना। तो इसी के विरुद्ध में भी गांधी जी ने सत्याग्रह स्टार्ट करा, और उन्होंने किसानों को बोला कि तुम्हें सरकार के द्वारा दी गई मांगों को पूरा ही नहीं करना है, आप सरकार की मांगों को पूरा ही मत करो, और इवन आप कर भी भुगतान मत करो। तो इस तरीके से उन्होंने सत्याग्रह चलाया, और भड़काया नहीं लोगों को जबकि समझाने की कोशिश करी। तो कर का ना भुगतान करना, और सरकार को क्या कहते हैं, माननी ही पड़ी ये मांग। आखिरकार सरकार जो है हार गई, और गांधी जी वहाँ पे क्या कहते हैं, सत्याग्रह चलाने से उन्होंने फायदा हुआ। इस तरीके से खेड़ा सत्याग्रह जो था वो भी खत्म हुआ। एंड देन अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक, एक्चुअली ये स्ट्राइक जो थी, ये स्ट्राइक किसानों के और माल ओ श्रमिकों के और मालिकों के बीच में थी। ये पैसे के वाद विवाद को लेकर थी, पैसे का वाद विवाद मतलब आप समझ सकते हैं सैलरी को लेके बात चल रही थी इसके अंदर। सैलरी को लेके बात कर चल रही थी इसके अंदर। तो इनका कहना ये था कि जिस तरीके से आप हमारे से काम करवाते हैं, श्रमिकों का मेन मकसद था मूल वृद्धि करवाना, मतलब इंक्रीजमेंट करवाना है उनको अपने वेजेस के अंदर। 25%, 50% वो चाहते हैं कि हमारे वेजेस में बढ़ोतरी हो, क्योंकि हमारे काम करने के जो घंटे हैं वो बहुत ज़्यादा है। कॉटन मिल वर्कर जो थे उनके साथ ऐसा ही होता था, उनसे ज़्यादा काम करवाया जाता था पर उनको सैलरी उस हिसाब से नहीं दी जाती थी। इसीलिए फिर से गांधी जी ने मिल वर्कर जो थे उनके खिलाफ क्या कहते हैं मूवमेंट चलाया गया, और मिल वर्कर को धमकियां दी गई कि भैया मालिकों ने अगर सैलरी नहीं बढ़ाई तो वो लोग छोड़ के चले जाएंगे, इससे उनकी मिल बंद हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे भी एक सत्याग्रह चलाया गया, और सत्याग्रह चलाने की वजह से एक जन समूह जो है धीरे 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 गांधी जी के समर्थन में आने लग गया, और गांधी जी पॉपुलर होते चले गए। यहाँ पर 50% वृद्धि तो नहीं करी उन्होंने, लेकिन 35% उनकी सैलरी में वृद्धि कर दी गई। तो इस तरीके से गांधी जी ने सत्याग्रह में के अंदर जो आमरण अनशन था वो बंद कर दिया, और आमरण अनशन बंद करने के बाद गांधी जी को एक बहुत ज़्यादा लेजेंडरी व्यक्ति माना जाने लग गया, कि एक के बाद उन्होंने मूवमेंट चलाए और पूरी तरीके से कामयाब हुए। अब आते हैं हम दूसरे पहलू पे, कि आप सभी को पता है कि 1914 से लेके भारत के अंदर 1918 तक, और भारत कह रहा हूँ वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था इस टाइम पे, और सारे के सारे जो ब्रिटिश के लोग थे वो बिजी कहाँ पे थे, इस वॉर के अंदर, इस वॉर के अंदर बिजी थे। अब वॉर ख़त्म हो गई है, और एक कारण ये भी था यहाँ पर, आपको पता है कि इसके क्रांति होने का कारण ये भी था। तो इस तरीके से जब ये सारे स्ट्राइक्स और आंदोलन पूरे ख़त्म हुए, तो ब्रिटेन की सरकार को लगा कि भैया ये कुछ ना कुछ खतरनाक चीज़ कर रहे हैं, इस वजह से इसको रोकने के लिए सरकार ने एक एक्ट चलाया, इसको रॉलेक्ट एक्ट बोला जाता है। और रॉलेक्ट एक्ट जो था वो किसी के नाम पर पड़ा है, इनका नाम जो है, इनका नाम है सिडनी रॉलेट, सिडनी रॉलेट, समझ रहे, इनका नाम सिडनी रॉलेट है, और इन्होंने ये एक्ट चलाया था उस टाइम पे, अंग्रेजों के थ्रू ये एक्ट चलाया गया था। इस एक्ट का मेन चलाने का मकसद पता है क्या है, जिस तरीके से गांधी जी एक के बाद आंदोलन कर रहे हैं, उससे अंग्रेजों को डर लगने लग गया। अब युद्ध तो खत्म हो गया है, और युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने इस एक्ट के थ्रू अंग्रेजी पत्रकार जो है उस पर पाबंद लगा दिया गया। इवन यहाँ तक बोला गया कि भैया इस एक्ट के थ्रू अब ब्रिटिश सरकार के पास इतना अधिकार हो जाएगा मार्च 1919 के बाद, कि जितने भी व्यक्ति हैं जो क्रांतिकारी व्यक्ति हैं, अगर सरकार को लगता है कि वो आतंकवाद के खिलाफ कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, तो उन्हें बिना किसी के कहते हैं मुकदमे के, बिना किसी फैसले के उनको कारावास में बंद कर दिया जाता है।
किसी नेता को 2 साल, किसी नेता को 3 साल विदाउट रीजन आपको क्या कहते हैं बंद कर दिया जाएगा। यहाँ पर हमारा आर्टिकल नंबर 22 जो है, वो आर्टिकल नंबर अगर आप पॉलिटिकल पढ़ते हैं तो आप बताइएगा ज़रूर आर्टिकल नंबर 20 जो है वो किसके लिए है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो उस समय में भारतीय लोगों का भंग हो रहा था। इसके ऊपर हमने आर्टिकल नंबर 22 स्पेशल बनाया है, तो ज़रूर आप कमेंट करिएगा आर्टिकल नंबर 22 किसके लिए है। अब यहाँ पे इस अधिनियम में होता क्या था, अंग्रेजों ने कहा कि भैया जो रॉलेक्ट एक्ट चलाया जा रहा है ना, इस रॉलेक्ट एक्ट के तहत जो भी व्यक्ति अगर सरकार को लगता है कि ये देश के अंदर क्रांति कर रहा है या आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, उसको बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी मुकदमे के जेल के अंदर बंद कर दिया जाएगा। अब ये चीज़ तो लोगों को पता नहीं थी, सभी लोगों को तो मैसेज नहीं फैला था, लेकिन कुछ लोगों को पता था। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम किस चीज़ से आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि गांधी जी ने कहा कि इस रौलट एक्ट के खिलाफ भी उन्हें आंदोलन करना है, और उन्होंने सभी लोगों को मैसेज दिया। मैसेज देने का रीज़न फिर ये बना कि 6 अप्रैल को गांधी जी ने घोषणा कर दी कि भाई हम लोग क्या कहते हैं इनके खिलाफ क्या कहते हैं एक एक्शन लेंगे। लेकिन 13 अप्रैल के दिन अमृतसर के अंदर बेचारे जो किसान थे बैसाखी का मेला अटेंड करने के लिए, 1919 में अमृतसर के अंदर वो पहुंचे थे। अब सारे के सारे लोग बैसाखी के मेले के लिए आए थे, लेकिन बैसाखी के मेले के अंदर अब वो अंग्रेजों ने तो रौलट एक्ट चला रखा, उन्हें कहीं भी लगेगा संदिग्ध लोग हैं और लोग इकट्ठा होकर बात कर रहे हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब जेलें बंद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे ब्रिटिश एक अधिकारी था जनरल डायर, जन ब्रिगेडियर जनरल डायर जो था, उसने पूरी तरीके से सैनिक की टुकड़ी बुलाई उसके अंदर जलियांवाला बाग के अंदर, और फाइनली बैठक में बैठे हुए जितने लोग थे सभी लोगों के ऊपर उन्होंने गोली चला दी। इस तरीके से ये जलियांवाला बाग नरसंहार जो है बहुत फेमस है, और 400 लोग लगभग इसके अंदर मारे गए थे। तो भाई कौन बचा था इसमें, मुझे कमेंट जरूर करिएगा, हु वॉज अलाइव देयर, क्योंकि सारे नहीं मरे थे, कुछ बच्चे बेहोश हो गए थे। मैं आपको हिंट भी दे रहा हूँ, उनका नाम ज़रूर लिखिएगा कि, और थोड़ा थोड़ा जो मैसेज करते हैं उसे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन टाइप थोड़ा सा लिख के कीजिएगा, ताकि जो व्यूवर्स हैं हमारे जो कमेंट पढ़ते हैं उन्हें भी समझ में आए कि आप आंसर किस चीज़ का कर रहे हैं। ठीक है, तो 400 लोग मरे, लेकिन कुछ लोग जिंदा भी थे, बचे भी थे। लेकिन 400 लोगों की हत्या हो जाना सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि रॉलेक्ट एक्ट चलाया गया था, और जलियांवाला बाग हत्याकांड, यहाँ पर बेचारे सिर्फ और सिर्फ अपने मैसेज को फैलाने के लिए भी मैं थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ, और अपने बैसाखी के मेले के चलाने के लिए वो लोग स्पेशल वहाँ पे इकट्ठा हुए थे, क्योंकि ये तो स्पेशल जो हमारे सिख भाई हैं उनका त्यौहार स्पेशल होता है, फसल के कटने के बाद सारे के सारे लोग बैसाखी के मेले को मनाते हैं। लेकिन यहाँ पर जनरल डायर ने टुच्ची हरकत करके हमारे इतने सारे लोगों को मार दिया, इससे देश के अंदर क्रांति की व्यवस्था और ज़्यादा बढ़ गई। समझ रहे हैं, ये रौलट एक्ट के खिलाफ क्या कहते हैं रौलट एक्ट था जिसने गांधी को वास्तविक राष्ट्रीय नेता बनाया। अब यहाँ से गांधी जी पूरी तरीके से अब बहुत तगड़ा एक्शन लेंगे, और यहाँ पर इन्होंने इसके खिलाफ, इसको इसकी सफलता उत्साहित होकर, मतलब यहाँ पे जिस तरीके से अंग्रेज़ों को सफलता मिली, इतने सारे लोगों को डरा दिया, धमका दिया, और गांधी जी ने इसके खिलाफ फिर फाइनली असहयोग आंदोलन चलाया। क्यों चलाया, उसके पीछे रीज़न पता है क्या है, एक कमीशन बैठा था जैसे बोलते हैं ये लोग हंटर कमीशन, ठीक है, हंटर कमीशन एक ऐसा कमीशन था जो अंग्रेजों के थ्रू बैठाया गया था, हंटर कमीशन। ठीक है, इस हंटर कमीशन में बोला गया था जनरल डायर को, क्योंकि हंटर कमीशन का मेन काम था कि आप ये पता करिए कि जनरल डायर ने जो निहत्ते लोगों के ऊपर जो गोलियां चलवाई थी क्या वो सही थी, क्या ये रौलट एक्ट को क्या कहते हैं उसका उल्लंघन कर रहे थे ये लोग या नहीं कर रहे थे, क्योंकि अंग्रेजों को बस दिखाना है नाम के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए, क्योंकि उस समय तो कंपनी राज कर रही है ना यहाँ पर, ओ कंपनी कर रहा हूँ, अब यहाँ पे अंग्रेजी लोग शासन कर रहे हैं यहाँ पर। तो सिंपल सी बात यह है कि जो हंटर कमीशन बनी थी ना, उस हंटर कमीशन ने जनरल डायल को बिल्कुल फ्री छोड़ दिया, और बोला कि हंटर कमीशन ये कहती है कि जनरल डायल ने जो निहत्ते लोगों के ऊपर वार करे थे वो बेगुनाह, वो जानबूझ के वो लोग जो थे वो बेगुनाह नहीं थे, वो सही मायने में एक्शन लेने के लिए ही आए थे और भड़काने के लिए लोगों को आए थे, और गांधी जी ने आह्वान दिया था इसलिए ऐसा हुआ था।
तो दैट इज़ वाई हंटर कमीशन की वजह से गांधी जी और अमृतसर के अंदर जो लोग थे उन सभी का बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है कि ये क्या सिस्टम चलाया गया है ना, कि हंटर कमीशन चला के उनको फ्री छोड़ दिया गया है, जो बिल्कुल सरासर गलत है। 1915 से लेके 1919 तक अभी तक हम डिस्क्राइब कर चुके हैं हम, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा असहयोग आंदोलन के बारे में। गांधी जी ने 1920 से लेके 1922 तक जो असहयोग आंदोलन था उसको चलाने का मेन मकसद क्या था? अगर असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया गया तो उसका रीज़न क्या था? तो जैसा आप सभी को पता है, आपने पहले भी पढ़ लिया था, पढ़ा गया था कि असहयोग आंदोलन जो था उसका मेन रीज़न था कि जब प्रथम विश्व युद्ध ख़त्म हो चुका था तो उस समय अंग्रेजों के द्वारा कुछ कानून बनाए गए थे। वो कानून कौन से बनाए गए थे? कि प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी जाएगी। यानी सेंसरशिप का मतलब होता है कि अब जो कि प्रेस के अंदर छपेगा, जो कुछ भी होगा वो अंग्रेजों के पूछ के होगा अंग्रेजों से, ठीक है। उसके बाद उन्होंने रॉलेक्ट एक्ट, एक एक्ट पास करा जिसमें हमें बिना किसी नज़रबंदी के अनुमति के 3 या 4 साल का क्या कहते हैं जेल हो जाती थी। और इसके खिलाफ ये अभियान असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था, ठीक है। इसके बारे में मैं बैकग्राउंड स्टोरी हमने पहले ही पढ़ लिया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जैसा कि आप सभी को पता है। इसकी वजह से हुआ क्या था कि बहुत से लोग क्या कहते हैं कांग्रेसी प्रमुख स्थानीय लोगों को गिरफ्तार करा गया और इतना ज़्यादा नरसंहार हुआ देश के अंदर कि लोगों का और ज़्यादा गुस्सा जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इस रॉलेक्ट एक्ट के विरोध में क्या कहते हैं, मतलब रॉलेक्ट एक्ट के विरोध में जो सफलता तो अंग्रेजों के लिए थी, इसके विरोध में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान दिया और कहा कि भाई हम लोग असहयोग आंदोलन करेंगे। अब प्रॉब्लम बस ये थी कि गांधी जी ने खिलाफत मुद्दे को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ने का फैसला करा। खिलाफत इशू क्या है वो थोड़ा सा मैं बता दूं। अभी तक जितने भी मूवमेंट चल रहे थे उसके अंदर जो हिंदुज़म के लोग थे ना, हिंदू लोग थे जो, वो काफ़ी अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे थे, जबकि मुस्लिम लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं करा था। तो मैं आपको बता दूं कि 1920 से लेके 1922 तक तो ये मूवमेंट चला, कौन सा? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, NCM चला, यानी कि असहयोग आंदोलन। यहाँ पर हिंदुओं का पार्टिसिपेशन तो था, लेकिन साथ में गांधी जी कहते थे कि मुस्लिम का भी पार्टिसिपेशन हो। तो वो कैसे हो पाया? वो हो पाया ऐसे, 1921 के अंदर मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली जिन्ना ने खिलाफत कमेटी जो है उसकी स्थापना करी थी। और ये खिलाफत है क्या, थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ईरान जो है वहाँ पर, ईरान के अंदर जैसे कि आप सभी को पता है मुसलमान जो होते हैं उनके लिए पैगंबर मोहम्मद से बढ़कर, पैगंबर मोहम्मद के बाद जितने भी खलीफा लोग आते थे, खलीफा इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट माने जाते थे। ये खलीफा ईरान के अंदर इनको हटा दिया गया था, मतलब उस समय में प्रेजेंट टाइम पे जो खलीफा थे उसको जीतने के बाद, वॉर जीतने के बाद खलीफाओं की पोस्ट को ख़त्म कर दिया गया, जिसकी वजह से ईरान के अंदर ही विद्रोह चल रहा था और कुछ मुसलमान जो भारत के अंदर रहते थे उन मुसलमानों ने यहाँ पर अंग्रेज़ों का विद्रोह करने की कोशिश करी खिलाफत कमेटी बनाकर। तो इस तरीके से 1921 के अंदर खिलाफत कमेटी बनती है और मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली जिन्ना दोनों ने खिलाफत कमेटी बनाई और कहा कि हम लोग भी क्या कहते हैं अंग्रेजों का विद्रोह करेंगे। तो देख सकते हैं आप, अलग अलग एम्बिशन से दोनों के, लेकिन दोनों का मेन मकसद था कि भाई असहयोग आंदोलन यानी कि कॉपरेट करना, हमें असहयोग आंदोलन में क्या कहते हैं नॉन कॉपरेशन करना है जो हमारे अंग्रेज लोग जो भारत के अंदर रहते थे उनके खिलाफ। तो इस तरीके से हिंदुज़म जो था वो तो था ही, और मुसलमान जो थे वो लोग भी इस तरीके से NCM के अंदर आ गए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर आ गए। क्यों? क्योंकि 1921 के अंदर जो खिलाफत कमेटी बनाई गई थी, गांधी जी ने कहा था कि हम आपके साथ रहेंगे, लेकिन ये सिस्टम कैसे काम करेगा, ये क्या होगा, इस पर कोई बहस नहीं हुई थी। बस इस मुद्दे को लेकर हिंदू और मुस्लिम जो थे वो सारे एक साथ हो गए और असहयोग आंदोलन स्टार्ट हो गया। 1920 के अंदर असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ, जिसका मेन मकसद था बायकॉट करना, बायकॉट हर चीज़ का। बायकॉट जो है सबसे इम्पोर्टेंट था बायकॉट। अब बायकॉट में छात्र जो थे जो ब्रिटिश सरकार के स्कूलों में पढ़ते थे, छात्रों ने जाना बंद कर दिया। स्कूली बस चलती थी वो चलनी बंद हो गई, कॉलेजेस बंद हो गए, क्योंकि जब स्टूडेंट्स ही कॉलेज के अंदर नहीं जा रहे तो फिर क्या कर सकते हैं,
है ना। तो नॉन कॉपरेट करने के लिए कहा, वकीलों ने अदालत के अंदर जाने से मना कर दिया, मजदूर वर्गों ने शहरों के अंदर हड़ताल कर दी, काम करने से मना कर दिया। इवन आंध्र उत्तरी आंध्र प्रदेश के जो लोग थे, वहाँ के जो जनजाति ट्राइब्स लोग थे, उन्होंने वन के उल्लंघन करने चालू कर दिए। देख रहे हैं, अवध के अंदर किसानों ने कर देने से इनकार कर दिया। ये ऐसा सिस्टम बायकॉट जो था, जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। और इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि जब कभी ये एक आंकड़े निकल के आए थे कि उस समय पे 1920 के टाइम पे, 1922 के टाइम पे जब ये हुआ था, तो जब 102 करोड़ का बिजनेस जो होता था अंग्रेज़ों का हमारे इंडिया से, लेकिन वो इन सब चीज़ों से घटकर 51 करोड़ आ गया था। देख रहे हैं, तो इतना ज़्यादा इसका क्या कहते हैं, हर्ष हुआ अंग्रेज़ों को, और अंग्रेज़ों की व्यवस्थाओं को हिला दिया गया। अब इसके विरोध में सभी, आपको पता है कि गांधी जैसे नेताओं को और लोगों को जेल में बंद किया जाएगा, लेकिन जेल में बंद करने के साथ साथ गांधी जी को एकदम से उस 1920 से लेके 1922 का जो टाइम पीरियड था, जिस समय पे असहयोग आंदोलन चल रहा था, उस टाइम पे गांधी जी ने जेल में बंद होने से पहले भारतीय लोगों को असहयोग के माध्यम से आत्मानुशासन मतलब जबकि आत्मा बोलती है उसका शासन करे, अंग्रेजों का शासन ना माने। तो इस अहिंसा और सत्याग्रह का पाठ सिखाया सिखाया, और साथ में इन सब चीज़ों के बारे में भी उन्होंने बताया। आंदोलन का मतलब है स्वशासन, और यहाँ पर जो अंग्रेज लोग हैं वो भारत के अंदर क्यों रह रहे हैं, किस लिए रह रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से ये मैसेज उस असहयोग आंदोलन में फैलाया गया था, और आंदोलन ने सही मायने में भारत में जो ब्रिटिश सरकार थी उसकी नींव हिला दी थी। और उस समय पे गांधी जी के साथ कई लोगों को जेल में डाल दिया गया। उसका रीज़न क्या था? देखिए, जब तक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा है तो कोई ना कोई इन्हें क्लू मिलना ज़रूरी है। तो इसका रीज़न क्या हुआ? इसका रीज़न ये हुआ कि फरवरी 1922 के अंदर किसानों के एक समूह ने यूपी के अंदर गोरखपुर एक जगह है वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर इन्होंने क्या करा, गोरखपुर के अंदर इन लोगों ने चोरी चोरा करके एक पुलिस स्टेशन जगह थी वहाँ पर इन लोगों ने हमला कर दिया, ठीक है। और जब हमला कर दिया तो हमला करने के बाद इन लोगों ने वहाँ पर गोलीबारी कर दी और कई पुलिसकर्मी वहाँ पे घायल हो गए। तो इस तरीके से ये जो हमले हो रहे थे और हिंसात्मक चीज़ें हो रही थी, इस वजह से आंदोलन को बंद करना पड़ गया, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट ऑल्सो, आपको समझ में आ रहा होगा कि इसे क्यों बंद कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो चोरा चोरी कांड की वजह से इसको बंद कर दिया गया, और जब इसको बंद कर दिया गया तो उसके बाद फाइनली गांधी जी ने खुद ही सभी आंदोलनकर्ताओं के द्वारा, उनके साथ कई हजारों लोगों को भारतीय जेलों के अंदर बंद करा गया, और फाइनली मार्च 1922 के अंदर गांधी जी खुद गिरफ्तार हो गए। इस तरीके से असहयोग आंदोलन बंद हो गया। तो इस तरीके से अब जो गांधी जी हैं, लोगों के नेता के रूप में उभरे वो। और आप सभी को पता है कि गांधी जी एक राष्ट्रवादी आंदोलन और एक जन आंदोलन जो था उनको बदलने में भरोसा रखते थे, और भारतीय जनता अधिक उचित प्रतिनिधित्व उनका करती थी कि मास मूवमेंट जितने भी होते थे उसमें प्रॉपरली जनता पार्टिसिपेट करती थी। इवन बनारस यूनिवर्सिटी के अंदर जो उन्होंने भाषण दिया था उसमें लोगों को याद दिलाने की कोशिश करी थी कि उन किसानों के बारे में, वो किसान और श्रमिक जो है बहुसंख्यक है, जो लोग उनके लिए लोग बात नहीं करते। गांधी जी की इच्छा है कि भारतीय राष्ट्रवाद को भारतीय लोगों का प्रतिनिधित्व बनाया जाए। यहाँ पर गांधी जी पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि देश के छोटे छोटे हिस्से से हर व्यक्ति जुड़ पाए। लोग इस तथ्य का सराहना करते थे कि उनके जैसे कपड़े पहनना, उनकी तरह रहना, आम भाषा बोलना, जो जिस तरीके से वो करते थे, ये उनके लिए अप्रिसिएशंस की बात होती थी। इवन गांधी जी की खास बात ये थी कि वो नॉर्मल जनता से जुड़े हुए व्यक्ति महसूस करते थे, एक आम आदमी की तरह जो थे उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी। जैसे आपको सभी को पता है, नॉर्मल सी पोशाक पहनना, राष्ट्रवादी नेताओं की तरह औपचारिक रूप से कपड़े पहनना जो था उनको आता था, वो पश्चिमी सूट वूट ये सब पहनते नहीं थे, धोती और लंगोटी पहनकर लोगों के बीच में रहा करते थे। तो ये चीज़ एक नेचुरली थी उनकी। इवन अपने कपड़े का जो हिस्सा होता था वो खुद ही बनाते थे।
उन्होंने चरखा चलाकर काम करा और हर दिन क्या कहते हैं उन्होंने इस चरखा चलाने बिताया। इससे उन्हें राष्ट्रवादी भी और इसी तरह और ज़्यादा प्रोत्साहित करा गया। इस तरीके से उन्होंने देश के अंदर जो बायकॉट करने की विधि होती थी, देश को जो बायकॉट करते थे, उस बायकॉट करने का मेन मकसद यही होता था कि अंग्रेज़ों का बहिष्कार करना। तो कताई कार्य जो था गांधी के मानसिक श्रम और मैनुअल श्रम दोनों के बीच में व्यवस्था को डिफरेंट बताने की कोशिश करता है। विशेष रूप से गरीब किसान, गांधी की अपील, उनके तपस्वी जीवन शैली, धोती और चरखा जैसे प्रतीकों ने उन्हें चतुर उपयोगों से बड़ी थी। मतलब मेन ये था कि जो विशेष रूप से जो गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, ये सब चीज़ों की वजह से जैसे उन लोगों ने तपस्वी जीवन जिया था गांधी जी ने। गांधी जी का रियल आप देखेंगे कि साबरमती का घर नॉर्मल सा था, धोती कुर्ता पहनने वाला डांडी मार्च करता हुआ निकला और चरखा चलाया उन्होंने। साबरमती का संत जो था इतना ज़्यादा नॉर्मल लाइफ जीता था। गांधी जी ना केवल उसी तरह दिखते थे बल्कि उन्हें समझना और उनके जीवन और उनके राष्ट्र के लिए काम करना, ये उनका मेन मकसद था। ठीक है, अब ऐसा कहा जाता है कि जिस तरीके से गांधी जी अपने आप को डेवलप कर रहे थे देश के अंदर, उस तरीके से इन्हें चमत्कारी रूप में भी देखा जाने लग गया। कुछ कुछ स्थानों पर तो ये अफवाहें चलाई गई कि जो राजा और किसान की जो शिकायत का निवारण करने वाला व्यक्ति था वो यही होता था। मतलब कहीं भी सिस्टम अगर ख़राब हो रहा है, अगर वो सिस्टम ठीक हो जाता था तो सभी स्थानीय लोग बोलते थे कि ये गांधी जी के द्वारा ही हुआ है ना। तो ये सब तरीके थे जिसकी वजह से गांधी जी एक चमत्कारी नेता के रूप में उभरे। ये दावा किया जाता था कि सिर्फ एक ही व्यक्ति है गांधी जी जो अंग्रेजी शासन से बेहतर तरीके से उन सामना कर सकता है और उपनिवेशिक शासक काल को वहाँ से भगा सकता है। देख रहे हैं, तो गांधी जी की आलोचना करने वाले जो लोग थे ना, वो भी इस तरीके से इस चीज़ को मानते थे। और गांधी जी ने कोशिश करा कि जो उच्च जो हाई टैक्स जो किसानों को देना पड़ जाता था, दमनकारी जो अधिकारी होते थे है ना, ऑटोनॉमी करते थे और डिग्निटी, ये सब चीज़ें लोगों की गरिमा और स्वायत्तता को बलहार नहीं रखते थे। तो गांधी जी ने इन बेसिक चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करा। इस तरीके से गांधी जी एक गांधी के अधीन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आधार बन पाया और इस तरीके से गांधी जी और ज़्यादा फेमस होते चले गए। गांधी जी के अधीन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आधार विस्तृत हुआ। उन्होंने कांग्रेस के संगठन के अंदर भी कुछ बदलाव करने की सोची। कांग्रेस जो कभी एक ही स्थान पे हुआ करता था, बाद में उनकी कई शाखाएं बना दी गई दूसरे दूसरे इलाकों में और रियासतों के अंदर प्रजा मंडल जो है उसको बढ़ाने की कोशिश करी गई, उनकी स्थापना करी गई। कांग्रेस की समितियां जो होती थी वो क्या कहते हैं पहली लिंग्विस्ट डिवीज़न बेसिस पे होती थी, लेकिन अब लोगों ने क्या कहते हैं उनकी बाउंड्रीज़ को बढ़ा दिया, इसमें वुमेन्स भी पार्टिसिपेट करने लग गई। तो ये सब गांधी जी की वजह से ही हुआ था। और गांधी जी ने अंग्रेजी मातृभाषा के बजाय राष्ट्रीय जो भाषा होती थी उस पर फोकस करने की कोशिश करी। इस तरह राष्ट्रवादी संदेश जो है भारत के हर हिस्सों में फैल सकता है क्योंकि हम जो अछूते लोग हैं उनको बिल्कुल अलग नहीं कर सकते। तो ये सिस्टम जो था, इन सभी सिस्टम्स की वजह से मैं बोल सकता हूँ कि गांधी जी जो जैसा व्यक्ति, जो गांधी जी जिस तरीके से खुलकर इन चीज़ों को सामना करते थे ना, इसी वजह से गांधी जी राजनेता ही नहीं बल्कि एक समाज सुधारक के रूप में भी उभरे है ना। मतलब समाज सुधारक तो आप कह ही सकते हैं क्योंकि उन्होंने बाल विवाह और अनटचेबिलिटी जैसी जो बुराइयां थी उनके खिलाफ भी उन्होंने कदम उठाया और साथ साथ इन्होंने हिंदू और मुसलमान जो था उनके हारमोनी के ऊपर जोर दिया। मतलब उन्होंने कहा कि हमें हमेशा मिलकर ही रहना चाहिए है ना। इस बीच आर्थिक मोर्चे पर भारतीयों को आत्मनिर्भर बनाना, सिखाना, पढ़ाना और इवन उन्होंने विदेशों से आयात कपड़े जो थे वो भी बंद करवाए और सभी लोगों से कहा कि खादी कपड़े पहनिए, घर में चरखा चलाइए। तो ये समाज सुधारक ही हो सकता है, सोशल रिफॉर्मर ही हो सकता है। अब देखते हैं फाइनली जब गांधी जी मार्च के अंदर आपको याद होगा मार्च 1923 के अंदर, नहीं 22 के अंदर गांधी जी को जेल में बंद कर दिया गया था क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की वजह से गांधी जी को उसके अंदर फंसाया जा रहा था।
तो यहाँ पर अब सिस्टम आ रहा है, जब उन्हें जेल से छोड़ दिया जाता है तो उसके बाद 1927 से लेके 1930 के बीच में, अब यहाँ पे नमक सत्याग्रह क्यों चलाया गया उसके पीछे रीज़न है। अब यहाँ पे जो INC थे, इंटरनेशनल कांग्रेस थी, उसका मेन मकसद था कि भाई प्रोविजनल असेंबली के अंदर हमें भी थोड़ा बहुत क्या कहते हैं पार्टिसिपेशन दीजिए, क्योंकि भारतीय लोगों का उस समय पे कुछ रोल नहीं होता था सिस्टम्स को बनाने के लिए। इसीलिए 1927 के अंदर साइमन कमीशन जो है उसकी स्थापना करी गई, वॉज अपॉइंटेड। उन्होंने देखने की कोशिश करी कि कॉलोनी के अंदर यानी कि भारतीय लोगों का जितना इलाका था जो अंग्रेजी सरकार के अंडर में था, 1927 के अंदर साइमन कमीशन बनाया गया और साइमन कमीशन को भारत भेजा गया। और इस तरीके से जब साइमन कमीशन को भारत भेजा गया तो साइमन कमीशन ने ये तय करना था कि भारतीय लोग जो हैं क्या शासन चलाने के लिए इतने केपेबल है या नहीं। जबकि साइमन कमीशन ने रिपोर्ट तैयार करी और ब्रिटेन की पार्लियामेंट में पेश करके बताया कि भारतीय लोग अभी इतना तैयार नहीं है। इसी वजह से 1928 के अंदर कैंपेन चलाया गया कि वाइट कमीशन जो है उसको भारत में ही सेट किया जाए, और उसमें साइमन कमीशन जो कमीशन है जो ये तय करेगी कि भारतीय लोग देश चलाने के लिए कैपेबल है या नहीं, उसके अंदर कुछ भारतीय लोगों को भी रखा जाए, है ना। तो इस समय पे वैसे तो गांधी जी इतना फेस टू फेस नहीं कर पाए, क्योंकि उस समय वो बरदोली के अंदर किसानों के लिए सत्याग्रह लड़ रहे थे और वहाँ पे गांधी जी उस समय वहाँ पे भाग ले रखा था। लेकिन फाइनली जब कांग्रेस ने लाहौर के अंदर, लाहौर के शहर के अंदर 1919 के दिन, दिसंबर के 1929 के दिन में अपना वार्षिक सत्र जो है जब आयोजित करा, तो नेहरू रिपोर्ट सामने आई थी और नेहरू रिपोर्ट में कुछ बातें बताई गई थी जिससे बताने की कोशिश ये करी गई कि ये वो सारे तरीके हैं जिससे हम अपना देश चला सकते हैं। इसलिए आपको याद होगा एक नारा चला था, साइमन गो बैक। साइमन गो बैक का नारा इसलिए चला था क्योंकि सभी को पता था कि साइमन कमीशन जो है किसी इंडियंस को कमीशन के अंदर आने नहीं देगा, और साइमन कमीशन जब तक, साइमन कमीशन की कमीशन के अंदर जब तक कोई भारतीय नहीं होगा तो कैसे वो देश के हित के बारे में बात कर सकता है। इसी वजह से यहाँ पर मांग करी जाने लग गई स्वराज की कि भाई हमें डोमिनेंट स्टेट दे दीजिए। डोमिनेंट स्टेट के अंदर क्या होगा कि कुछ प्रिंसिपल्स अंग्रेजों के चलेंगे, कुछ प्रिंसिपल्स भारतीयों के चलेंगे। लेकिन साइमन कमीशन इससे मुकर गया। फाइनली जब साइमन कमीशन मुकर गया तो यहाँ पर फिर इन लोगों ने लाहौर सेशन जो करा, वो सेशन इतना इम्पोर्टेंट था कि वहाँ पर दो बैठकें हुई। जवाहरलाल नेहरू जी को वहाँ पे अध्यक्ष बनाया गया उस टाइम पे। किसका अध्यक्ष बनाया गया? इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, और ये एक युवा नेता थे उस टाइम पे। और दूसरा ये था कि उन्होंने 26 जनवरी 1930 के दिन, इस दिन इन लोगों ने अपना जो स्वतंत्रता दिवस था वो पहली मना लिया था और राष्ट्रीय ध्वज जो वो फैला दिया था। स्वतंत्रता दिवस मनाने का मेन मकसद ये था कि अब उन्हें स्वराज नहीं चाहिए, अब उन्हें पूर्ण स्वराज चाहिए। ठीक है, पूर्ण स्वराज मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता से ही रिलेटेड है। पूर्ण स्वराज का मतलब ये होता है कि अब पूरा का पूरा भारत का ही हिस्सा जो है वो भारतीय लोग ही देश को चलाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से नेहरू रिपोर्ट जो थी वो पेश तो करी गई लेकिन उनकी बातों को नहीं माना गया। लेकिन अब यहाँ पे सॉल्ट मार्च जो है, स्वतंत्रता दिवस मनाने के तुरंत बाद नमक पर राज्य का एक अधिकार जो था वो अलोकप्रिय था और उसी को उन्होंने निशाना बनाया। गुजरात के अंदर सरकार क्या कर रही थी? गुजरात के अंदर सरकार कर ये रही थी कि नमक के ऊपर मोनोपोली क्रिएट कर रही थी, नमक के ऊपर टैक्स लगा रही थी। और नमक एक ऐसी बेसिक चीज़ है जो हर किसी भारतीय के खाने में इस्तेमाल होती है, घरेलू उपयोग है ही, और सभी के लिए नमक के ऊपर अगर टैक्स लगा दिया जाएगा तो सिंपल सी बात है अब उस पर भी अंग्रेजी सरकार जो है पैसा कमाएगी। इसीलिए गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ यहाँ पर अब फिर से एक मैसिव मूवमेंट स्टार्ट करा, जैसे क्या बोला गया, सिविल डिसोबियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबियंस मूवमेंट जिसे बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये चलाया गया 1930 के अंदर। और फाइनली जब ये चलाया गया तो आपको पता है नमक जो है वो उचित दामों पर बेचा जाएगा, इसे बंद कराने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। और गांधी जी ने नमक मार्च जो है लॉर्ड इरविन को बोल दिया था, अगर आपको दांडी मार्च बंद करवाना है तो आपको गांधी जी के द्वारा दी गई जो 11 मांगे हैं उनको पूरा करना पड़ेगा। मतलब
नेहरू रिपोर्ट तो उन्होंने वैसे ही इनकार कर दी, और साइमन कमीशन बोलता है कि नेहरू रिपोर्ट जो है उसमें वो सारी बातें फैक्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पर गांधी जी अब कोशिश कर रहे हैं कि नमक सत्याग्रह के माध्यम से अंग्रेजी सरकार जो है, अंग्रेजी जो हुकूमत है, उनसे कुछ मांगों को पूरा करवाया जाए। देखिए ये 11 मांगे बहुत सारी हैं, आप 11 मांगों में से मैं कुछ सिलेक्टेड बातें बता देता हूँ। जैसे उन्होंने कहा कि आप आर्मी पे ज़्यादा पैसा खर्च मत करो, एजुकेशन पे खर्च करो, देश की व्यवस्था राज्य की व्यवस्था को बढ़ाने के लिए पैसा खर्च करो, है ना, कर जो है उसमें थोड़ी ढील बरतो, इन सभी चीज़ों के ऊपर फोकस करा गया। और बाकी 11 मांगे गांधी जी की क्या थी वो आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन लॉर्ड इरविन जो है उस समय पे लॉर्ड थे, यानी कि उस समय पे ये वार्सराय यानी कि गवर्नर जनरल थे, ओ वार्सराय थे यहाँ पर उस टाइम पे, ये इन्होंने क्या कहते हैं मना कर दिया। और फिर फाइनली 12 मार्च 1930 के दिन गांधी जी ने साबरमती आश्रम से समुद्र की ओर ये क्या कहते हैं दांडी मार्च स्टार्ट करा। आप ये देख रहे हैं दो लगभग 230 माइल्स था, आई थिंक 230 माइल्स था, और इतना ये लोग पैदल चले थे। और पैदल चलने के बाद इन लोगों ने ये दांडी मार्च जो था वो सफलतापूर्वक इसको बनाए रखा। इस तरीके से गांधी जी ने एक मुट्ठी जो नमक था उसे उठाया और कानून तोड़ दिया। कानून तोड़ने का मेन मकसद आपको पता ही है, नमक मार्च प्रदर्शन, इसकी वजह से देश के अंदर किसान ने उपनिवेशी सरकार के खिलाफ बहुत ज़्यादा खुलेआम तौर से प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया। कस्बों के अंदर, कारखानों के अंदर कर्मचारियों ने हड़ताल पर चले गए, वकील फिर से अदालतों का बहिष्कार करने लग गए, छात्र फिर से क्या कहते हैं स्कूल नहीं जा रहे थे। तो ये सिस्टम जो कभी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर चला था वही दोबारा से यहाँ पर आ गया। और सभी नमक एक ऐसी चीज़ थी कि इसमें बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सारे लोग गांधी जी के साथ उस टाइम पे आए थे। तो इस तरीके से सारे लोग, जैसे कि मैंने आप सभी को बता दिया पहले भी कि 1922 और 1920 से लेकर 22 की तरह तक जो गांधी जी ने आह्वान दिया था कि सभी वर्ग के भारतीय लोग जो है उपनिवेशिक शासन के खिलाफ आएंगे और अपना जो रोष था वो प्रकट करेंगे। इसकी वजह से जो दोबारा से दांडी मार्च हुआ था उसमें उच्च जाति के लोगों से कहा था कि अगर तुम्हें स्वराज चाहिए तो तुम्हें अछूतों से सेवा करनी चाहिए, मतलब उनसे भी मदद लेनी चाहिए। इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी सभी को एकजुट होना पड़ेगा जिससे देश के अंदर स्वराज आ पाएगा। तो दांडी मार्च एक ऐसा मार्च था जिसने क्या कहते हैं वहाँ की गवर्नर को हिला दिया और उनके खिलाफ उन गांधी जी के जो उस समय सिस्टम था, जो ये आंदोलन चलाया गया था वो ब्रिटिश की गवर्नमेंट के अंदर तक ये अखबार जो थे छप रहे थे। और ब्रिटिश की गवर्नमेंट जो थी ये नमक आंदोलन की वजह से बहुत ज़्यादा चरमरा गई उनकी सरकार, और उन्हें समझ में आ गया कि अब सिस्टम इंडिया के अंदर कुछ और होता जा रहा है ना। तो जो मार्च थी उसकी रिपोर्ट जो है वो क्या कहते हैं अंग्रेजों के लिए गहरा संदेह ही बता सकती है, ठीक है। उस तरीके से यहाँ पर जल्द ही इसने अपना नज़रिया बदल दिया, गांधी को संत और राजनेता के रूप में सलाम किया। और नमक सत्याग्रह की वजह से 60,000 भारतीयों के साथ गांधी जी को भी जेल में बंद करा गया। एज यूजल, अब गांधी जी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है जेल में जाने से, नॉर्मल चीज़ है जेल में जाना गांधी जी के लिए, है ना। तो ये सिस्टम जो है, ये सिस्टम आपको समझ में आ रहा होगा कि इस तरीके से कैसे यहाँ पर गांधी जी को जेल में बंद करा गया। लेकिन फिर भी नमक सत्याग्रह एक ऐसा सत्याग्रह था जिसमें छोटे से लेके बूढ़े बुजुर्ग महिलाएं सभी ने पार्टिसिपेट करा, और ये पहला सत्याग्रह था जिसमें गांधी जी के साथ बढ़ चढ़ कर महिलाओं ने भी पार्टिसिपेट करा। अब नमक मार्च का महत्व क्या था, यानी कि जो सेल्ट करा गया था उसका महत्व क्या था, गांधी जी को दुनिया के सामने लाया गया। और इवन पहले तो हमारे इंडिया के बारे में ब्रिटिश की गवर्नमेंट के अंदर छपता नहीं था, लेकिन इस सिस्टम की वजह से मार्च मतलब जो मार्च हुई थी उसकी वजह से क्या कहते हैं यूरोपीय और अमेरिकी प्रेस जो है यहाँ तक ये सारी खबरें पहुँच गई। और दूसरा ये था कि यहाँ पे महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर इसके अंदर भाग लिया था, है ना। जैसे कि यहाँ पे एक एक्टिविस्ट थी कमला देवी चट्टोपाध्याय, इन्होंने भी इसके अंदर भाग लिया था, और बहुत से पुरुष थे जिन्होंने इसके अंदर भाग लिया। और शराब कानून तोड़कर और नमक को तोड़कर, मतलब नमक के उसको तोड़कर, लॉ को तोड़कर बहुत से बड़े बड़े नेता जो थे वो जेल के अंदर बंद हुए। और फाइनली देश के अंदर अब ऐसा माहौल फेमस हो गया कि भाई अब तो आज़ादी लेकर ही रहनी है।
तो इस तरीके से अब अंग्रेज़ों को एहसास हो चुका था कि अब भारतीयों के साथ हमें कुछ ना कुछ शक्तियों को साझा करना पड़ेगा। उनको चर्चा करने के लिए अंग्रेज़ों ने एक विकल्प निकाला और फाइनली लंदन के अंदर गोलमेज सम्मेलन के लिए उनको बुलाया गया। तो देखिए, गांधी इरविन पैक्ट जो है, जिसे समझौता बोला जाता है, वो जनवरी 1931 में महात्मा गांधी को जेल से रिहा कर दिया गया। और इसके बाद वारसराय के साथ कई बैठक हुई और इसका समर्पण गांधी इरविन समझौते से हुआ। इस समझौते में ये बोला गया कि गांधी जी को आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, यानी कि सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट जो है, इसको बंद करना होगा। और इसको बंद करने के बाद हम आपके जितने 60,000 कैदियों को हमने पकड़ा था, उन्हें हम किसी बिना मुकदमे के जो हमने जेल में डाल दिया था, हम उन्हें रिहा कर देंगे। और फाइनली तट पर नमक निर्माण की अनुमति देने के लिए कहा गया। गांधी जी को बाद में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी कि गोलमेज सम्मेलन के लिए भी बुलाया गया था। और गोलमेज सम्मेलन क्या है, उसके बारे में हमें डीपली समझना है। देखिए, गोलमेज सम्मेलन इसलिए था कि इरविन और साथ में और जो लंदन के अंदर ये जो हो रहा है, उसकी मीटिंग का मेन मकसद ये था कि यहाँ के लोगों को बुलाया जाए और समझाया जाए कि देश के अंदर जो सिचुएशंस है, उन पे कैसे बातचीत की जा सकती है। तो पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 के अंदर हुआ था और उसके बाद दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 के अंदर हुआ था। ठीक है, तो इसी के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। अब हम उसी के ऊपर फोकस करके हम वीडियो को आगे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बहुत इम्पोर्टेंट क्यों था? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इम्पोर्टेंट इसलिए था कि यहाँ पर जो नवंबर के अंदर पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, नवंबर के अंदर वो लंदन के अंदर आयोजित करा गया था। यहाँ पे उस टाइम पे भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं की अनुपस्थिति के कारण इसमें कोई निर्णय नहीं निकल पाया। क्यों नहीं निकल पाया? क्योंकि इस समय तो जो डांडी मार्च हुआ था, उस डांडी मार्च की वजह से मोस्टली बंदे तो जेल के अंदर है, और जेल के अंदर होने की वजह से अब बहुत से लोग क्या कहते हैं, इसके अंदर आ नहीं पाए थे। इसी वजह से यहाँ पर जो दूसरी बैठक होती है, जब गांधी जी क्या कहते हैं, उनको आज़ाद कर दिया जाता है, तो यहाँ पे फिर फाइनली दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। और गांधी जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं कांग्रेस को। गांधी जी ने कहा कि भाई पूरी पार्टी जो है वो भारत का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि हमारी पार्टी जो है वो भारत का प्रतिनिधित्व करती है और भारत ही क्या कहते हैं उस समय पे सारे डिसीजन ले सकता है। लेकिन उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे सभी तीन पार्टियां उस समय उपस्थित थी, जिसमें से मुस्लिम लीग बोल सकता हूँ मैं, प्रिंसलीज और वकीलों की अलग विचारक थे, इवन जो छोटे मोटे जो गरीब तबके के लोग थे उनके लिए B.R. अंबेडकर ने अलग प्रतिनिधित्व करा था, है ना। तो इन सभी चीज़ों की वजह से जब 1930s के अंदर दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो इस दूसरे गोलमेज सम्मेलन के अंदर क्या कहते हैं, लंदन में ये जो सम्मेलन हुआ था वो किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाया। इसीलिए फिर से गांधी जी को खाली हाथ लौटना पड़ा। और डिसीजन इसलिए निकल पाया है कि देश को कौन चलाएगा, क्या नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ पे तीन पार्टियाँ थी, मुस्लिम लीग अपने बारे में अलग बोल रही थी, B.R. अंबेडकर अल्पसंख्यक के बारे में अलग बोल रहा था, इवन जो कांग्रेस थी वो अलग बोल रही थी, सबका सिस्टम अलग अलग था। तो फाइनली खाली हाथ वापस लौटना पड़ा उन्हें, और उन्होंने फिर क्या करा, सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू कर दिया। यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का मेन मकसद यही था कि भाई देश के अंदर एक आंधी बनी रहे और देश के अंदर जो अंग्रेज लोग हैं वो निकाले जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे नए वारसराय आए थे, नए ये यहाँ पे मेंबर्स की फोटोज मैंने इसके अंदर डाल रखे ताकि आप थोड़ा सा देख के समझ सके। ठीक है, उन्होंने फिर भारत छोड़ो आंदोलन तो बाद में आएगा, लेकिन उन्होंने फिर यहाँ पर क्या कहते हैं, इसकी पृष्ठभूमि तैयार करी। 1935 से लेके 1945 के बीच तक ये पूरा आंदोलन चलता रहा, क्योंकि लंदन की मीटिंग के अंदर कोई कॉन्फ्रेंस के उसमें कुछ क्या कहते हैं वाद विवाद जो हुआ था वो उसका कोई डिसीजन निकल नहीं पाया। इसीलिए फाइनली 1935 गवर्नमेंट एक्ट, भारतीय गवर्नमेंट एक्ट बनाया गया भारतीयों के द्वारा, और इसके अंदर कुछ प्रतिनिधि सरकार जो है उसको चुना गया। यहाँ पे चुनाव हुए और चुनाव में सीमित मत अधिकार के आधार पर चुनाव में कांग्रेस को जबरदस्त सफलता मिली। यहाँ पर कांग्रेस 1937 के अंदर पहली बार प्रतिबंधित मताधिकार के चुनाव हुए, और कांग्रेस पार्टी के विधायक जो थे उन्हें 11 सीटों में से 8 प्रांत जो है वो जीतने को मिल गए, बाकी जो प्रांत बचे थे वो क्या कहते हैं आपके, उनको मिल गए, मुस्लिम लीग को मिल गए।
के कांग्रेस मंत्रिमंडल के सत्ता में आने के दो साल बाद ही सितंबर 1939 के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, अगर आपको याद हो तो। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये दोनों के दोनों, इनका कहना यही था, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जी का, कि हम भी जो हिटलर है उसे पसंद नहीं करते हैं। और हिटलर की जो विचारधारा है, उस विचारधारा जो है कट्टर, उसके आलोचक थे। तो उन्होंने, कांग्रेस ने ये फैसला करा, कांग्रेस का ये कहना था कि भाई युद्ध के अंदर हम आपकी मदद कर सकते हैं। ये किससे बोल रहे हैं? ये यूके के लोगों से बोल रहे हैं, यानी कि ब्रिटेन के लोगों से बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि युद्ध में हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन बदले में क्या कहते हैं आपको, युद्ध के बाद क्या कहते हैं, हमें आज़ादी देनी होगी या हमें आज़ादी प्राप्त करानी होगी। तो स्वतंत्रता देने पर कांग्रेसी जो थे वो कह रहे थे कि ठीक है आप ऐसा कर लीजिए, लेकिन दिक्कत क्या हुई? दिक्कत ये हुई कि अंग्रेज़ों ने मना कर दिया कि हमें तुम्हारे किसी सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वजह से 1939 के अंदर जो कांग्रेस की सरकार, जो समय पे निर्वाचित सरकार बनी थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और 1939 के अंदर उनकी जो सरकार थी वो बर्खास्त कर दी जाती है। कांग्रेस अपनी सरकार खुद ही बर्खास्त कर ली। ठीक है, तो ये एक ऐसा टाइम पीरियड था जिस टाइम पीरियड पे क्या कहते हैं कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया था। और उसके बाद 1945 के अंदर युद्ध खत्म हो गया था, है ना। युद्ध खत्म होने के बाद भारतीय नेताओं को अंग्रेज़ का समर्थन जब तक नहीं हुआ, उन्होंने क्या कहते हैं भारतीय स्वतंत्रता देने का वादा भी नहीं करा। इसकी वजह से क्या कहते हैं प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया और अक्टूबर 1939 के अंदर कांग्रेस के मंत्रालयों ने इस्तीफा दे दिया। अब जब कांग्रेस के मंत्रालयों ने इस्तीफा दे दिया, तो मार्च 1940 में मुस्लिम लीगों ने मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र बनाने की मांग करी। और इसकी योजना किसने चला दी? मोहम्मद अली जिन्ना ने। यानी कि मुस्लिम बहुदल जो इलाके थे उसमें सोविता की मांग करने वाले क्या कहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना ही थे, और वो राजनीतिक पृष्ठभूमि में बहुत आगे जाना चाहते थे। अब दिक्कत ये होने लग गई कि अब भारत के लोगों को अपने देश की आज़ादी के लिए सिर्फ और सिर्फ इंडियंस लोगों को सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के लोगों से ही नहीं लड़ना है, अब उन्हें लड़ना है मुस्लिम लीग की पार्टी से, जो मुस्लिम लीग उस समय पे थी, यानी कि मुसलमानों की। एंड इवन बी आर अम्बेडकर ने जो उनके बारे में सोच रखा था, गरीबों के बारे में, उनकी एक अलग पार्टी थी। और इवन फिर इसमें जो बहुत क्या कहते हैं जो बड़े बड़े रईस लोग थे, सरदारी लोग थे, है ना, रियासत वाले लोग थे, उन सब का एक अलग मांग थी। तो इन सभी सिचुएशंस की वजह से अब कांग्रेस को बहुत तरीके से फाइट करनी पड़ेगी। लेकिन सिस्टम कैसे अच्छा हुआ? सिस्टम हुआ ऐसे कि भाई 1942 के अंदर राष्ट्रवादी आंदोलन के लगातार प्रसार होने की वजह से इंग्लैंड के अंदर प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने सर स्टेफोर्ड क्रिस्प को भेजा गांधी और कांग्रेस से बात करने के लिए। लेकिन जब कांग्रेस को क्या कहते हैं गांधी और कांग्रेस से बात करने के लिए भेजा, तो क्रिप्स से वार्ता करने के बाद कांग्रेस ने इस बार पर जोर दिया कि अगर धुरी शक्तियां जो है भारत की रक्षा के लिए ब्रिटेन शासन कांग्रेस का समर्थन चाहती है, तो वारसराय को सबसे पहले अपनी कार्यकारी परिषद से भारत को एक रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करना पड़ेगा। तो ये भी क्रिप्सी मिशन जो था ये भी कामयाब नहीं हो पाया, और क्रिस्पी मिशन फेलियर के कारण की वजह से यहाँ पर 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर बहुत से लोगों ने क्या कहते हैं उनको फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। इवन गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, और यहाँ पर उनको 1944 में जाके उनको रिहा करा गया। अब देखिए, जिस टाइम पे 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था और गांधी जी को पकड़ लिया गया, और 1944 तक उनको जब रिहा करा गया, तो इस बीच में मुस्लिम लीग जो है ना वो मुसलमानों के बीच में क्या कहते हैं अपनी छवि बनाने के लिए बहुत ज़्यादा तैयार हो चुके थे, और बहुत सही तरीके से इन लोगों ने अपनी छवि और लोगों के बीच में बनाने की कोशिश करी। अब मुस्लिम लीग एक पार्टी है जो मुसलमानों का रिप्रेजेंट करती है, और जो कांग्रेस थी वो देश को रिप्रेजेंट कर रही थी, भारत देश को रिप्रेजेंट कर रही थी। अब जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्सी मिशन के फेलियर की वजह से हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन में जो कांग्रेस थे उनके बड़े बड़े लीडर जेल में बंद कर दिए गए थे। अब जब 1942 में जेल में बंद कर दिए गए, तो लगभग 2 साल तक मुस्लिम लीग को अपने मुसलमान भाइयों के लिए क्या कहते हैं बहुत अच्छी तरीके से वो बनाने की कोशिश कर दी गई कि आप अलग शासन देखिए, अलग वो देखिए, है ना।
लेकिन जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जा रहा था उस समय देश भर के अंदर युवा कार्यकर्ता जो थे वो हड़ताल पे थे। बहुत सारे तोड़फोड़ हुए, इसमें कांग्रेस में आपको पता होगा जयप्रकाश नारायण, ये पॉलिटिकल के चैप्टर में ज़रूर आएगा, वो समाजवादी थे, उन्होंने उस समय बहुत सक्रिय भूमिका निभाई। अब यहाँ पे स्वतंत्रता पूरी तरीके से आ गई थी और स्वतंत्रता के लिए लोग बहुत टाइम से विद्रोह कर रहे थे। इसकी वजह से कुछ ऐसे इलाके थे जो 1945 में ब्रिटिश सरकार ने भारत की स्वतंत्रता देने के लिए खुद ही प्रतिबद्ध हो गए। अब यहाँ पे कुछ ऐसे इलाके भी थे जहाँ पर उन्होंने क्रिप्सी मिशन के फेलियर के बाद, ये तो हमने देख लिया कि आंदोलन चलाया गया था, कुछ ऐसे इलाके थे जो क्या कहते हैं आज़ाद हो गए थे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बोल दूँ, अब भारत छोड़ो आंदोलन का हमें समझना ये है कि जो क्रिप्सी मिशन चलाया गया था वो उसकी विफलता के कारण हुआ, ये तो हमने पढ़ ही लिया पहले ही। जो विफलता हुई थी उसके कारण महात्मा गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन चलाना पड़ा, और तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन ये था ही। महात्मा गांधी और अन्य महत्वपूर्ण नेताओं को उस समय जेल में गिरफ्तार कर लिया गया था। इस समय युवा नेता जो है पूरे देश के अंदर तोड़फोड़ करने में लगे हुए थे, जिसमें से मैंने आपको बता दिया नाम जयप्रकाश नारायण सबसे युवा लीडर थे, वो लगे पड़े थे देश के अंदर। जयप्रकाश नारायण जैसे जो ये नेता थे वो उस समय लगे पड़े थे देश के अंदर। अब यहाँ पे जयप्रकाश नारायण तो थे ही थे, लेकिन जयप्रकाश नारायण में जो भूमिगत प्रतिरोध की जो गतिविधियां चलाई ना, उसकी वजह से बहुत से ऐसे जिले थे जो अपने आप को स्वतंत्र बोल चुके थे, जिसमें से पश्चिम के अंदर सतारा था और पूर्व के अंदर मदीनापुर जो है, ऐसे इलाके ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जिन्होंने अपने आप की इंडिपेंडेंस घोषित कर लिया। और इंडिपेंडेंस घोषित करने के बाद इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन जो था वास्तव में जन आंदोलन था, जिसमें आम भारतीयों ने क्या कहते हैं पार्टिसिपेट करा और अंग्रेज़ों को बाहर निकाल दिया। इसमें विशेष रूप से युवा जो थे बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी मात्रा में आगे आए थे और उन्होंने कॉलेज छोड़ दिए, जो कभी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर होता था, है ना, वो सब इन्होंने छोड़ दिए। और इस तरीके से 1943 के अंदर महाराष्ट्र के अंदर मैंने दिखा दिया आपको स्वयंसेवी वाहिनी जो है, और ऐसे जो आंदोलन चलाए गए जिसमें और इलाकों स्वतंत्र हो गए। तो घटनाक्रम 1945 से लेकर 1947 में खास बात ये था कि यहाँ पर एक ब्रिटेन के अंदर नई सरकार आई थी, जिस श्रम सरकार का नाम बोला जाता है, इसे लेबर पार्टी बोला जाता है। ये लेबर पार्टी ब्रिटेन के अंदर आज़ादी से आई और इस लेबर पार्टी ने कहा कि भारतीय लोगों को अब हम आज़ादी देंगे, और 1945 में वो कमिटेड करते थे कि हाँ हम इनको आज़ादी दे देंगे। अब यहाँ पे कांग्रेस में क्या कहते हैं, जो वारसराय नए बने लॉर्ड वेवल, इसने कांग्रेस और मुस्लिम लीग से बातचीत करने के लिए बात जताई, लेकिन वो फ्लॉप हो गई थी। अब यहाँ पे हुआ क्या कि हमारे भारत के अंदर 1946 के अंदर प्रांतीय विधानसभा के चुनाव हुए और कांग्रेस के जनरल जीत हुई और लीग जो थे मुस्लिम लीग उन्हें आरक्षित निर्वाचित क्षेत्र मिला। अब यहाँ पे कैबिनेट मिशन जो है वो भारत के अंदर आता है, और कैबिनेट मिशन के बारे में ही हम पूरा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। वो जो आप पॉलिटिकल का हिस्सा पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैबिनेट मिशन क्या है, क्योंकि हम पॉलिटिकल की वीडियोस भी डालेंगे तो आपको वहाँ समझ में आ जाएगा। तो फाइनली 1946 की गर्मियों के अंदर कैबिनेट मिशन जो है वो भारत आया, और कांग्रेस और लीग के बीच आम सहमति विफल रही। इस तरीके से क्या कहते हैं, जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 के अंदर पाकिस्तान की एक अलग मांग कर दी और भारत के कई हिस्सों के अंदर खूनी दंगे होने लग गए, और उन्होंने एक्शन डे का आह्वान दिया। फाइनली फरवरी 1947 में लॉर्ड माउंट जो ब्रिटेन है, लॉर्ड माउंट बेटेन ने इनको नया क्या कहते हैं वारसराय नियुक्त करा, और उन्होंने अनिवार्य जो वार्ताएं थी वो करी और भारत को मुक्त कर दिया। लेकिन विभाजित भारत उन्होंने मुक्त करा, और द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी कि टू नेशन थ्योरी, ये पॉलिटिकल मैंने आपको बताया, टू नेशन थ्योरी आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगी। उस टू नेशन थ्योरी के अंदर जो इंडिया है और जो पाकिस्तान है उसको अलग करा गया, और लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को औपचारिक तरीके से जो सत्ता थी वो हाथ में दे दी और भारत जो है वो आज़ाद हो गया। तो फाइनली यहाँ पे फिर क्या करा गया कि 15 अगस्त 1947 के अंदर भारत को आज़ाद करा गया, और उससे पहले 14 अगस्त 1947 के दिन पाकिस्तान को आज़ाद करा गया। ये दिन क्या कहते हैं तय करा गया। अब यहाँ पे 15 अगस्त को जब हमने आज़ादी ले ली तो उस दिन भारत के विभिन्न बहुत सारे हिस्सों के अंदर खुशियाँ मनाई गई।
और बाकी क्या कहते हैं, फिर फाइनली 15 अगस्त को जब देश आज़ाद कर दिया गया, तो उसके बाद फिर हमारे देश की खुद की संविधान सभा बैठी, और संविधान सभा में बैठने के बाद गांधी जी की जय के नारे लगते रहे, और इस तरीके से फिर हमने अपने देश का संविधान बनाया उसके बाद, और फिर फाइनली क्या कहते हैं, देश के अंदर सिस्टम जो है कुछ बदलाव देखने को हमें मिलता है। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा, लास्ट हीरोइक डेज यानी कि आखिरी बहादुरी दिन, सभी को पता है, ऑल वी नो दैट 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा भारत जो है वो आज़ाद हो चुका था। दिल्ली के काफ़ी हिस्सों में स्वतंत्रता दिवस जो है उसका जो माहौल था वो मनाया जा रहा था। गांधी जी उस टाइम पे कोलकाता के अंदर थे, उन्होंने किसी भी समारोह के अंदर भाग नहीं लिया, कोलकाता में उन्होंने कहीं भी झंडा नहीं फहराया। जिस आज़ादी के लिए उन्होंने इतने टाइम तक संघर्ष करा था, वो आज़ादी उन्हें बंटवारे के रूप में मिली थी, और जो उनके लिए सही तरीके से एक मैं कह सकता हूँ अकल्पनीय थी उनके लिए, कि उन्होंने उसके लिए इतनी कीमत दी, इतनी कीमत चुकाई, लेकिन सही मायने में जो आज़ादी उन्हें मिलनी चाहिए थी वो सही तरीके से नहीं मिल पाई। गांधी जी ने उस दिन 24 घंटे के उपवास रखा था और कहा था कि मैं 24 घंटे का उपवास रखूंगा। ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए करा उन्होंने क्योंकि उनको लगता था कि 24 घंटे के उपवास से क्या कहते हैं वो अपने आप को पनिश कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने इस दिन के लिए, स्वतंत्रता के इस संघर्ष के लिए बहुत कठोर मेहनत करी थी। लेकिन हिंदू मुस्लिम जो है आज की डेट में उस टाइम पे एक दूसरे को क्या कहते हैं मारने के चक्कर में लगा हुआ था। अब उस टाइम पे जिस समय पे सितंबर से लेके अक्टूबर का जो माहौल था, यानी कि अगस्त सितंबर अक्टूबर, अगस्त में हमें आज़ादी मिल गई थी, सितंबर और अक्टूबर का जो माहौल था वो बहुत ही ज़्यादा गंदा माहौल देश के अंदर हो रखा था। यहाँ पर गांधी जी उस समय पे शरणार्थियों के पास जाते थे, हॉस्पिटलों में जाते थे, धार्मिक शिविर्स में जाते थे, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को सिंपैथी देने के लिए जो क्या कहते हैं उस टाइम पे हिंदू और मुस्लिम जो है उसके भाईचारे पे फोकस नहीं करता था और एक दूसरे को मारने पे तुला हुआ था, है ना। उन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे यही कहा कि अब हमें क्या कहते हैं पुरानी पीड़ा को भूल जाना चाहिए, अब हमें भाईचारे के ऊपर फोकस करना चाहिए, है ना। इस तरीके से गांधी जी ने इसी वजह से क्या कहते हैं उन्होंने कहीं पे कुछ भी नहीं मनाया अपना, और उसके साथ साथ मैंने आपको बता दिया कि गांधी जी ने स्वतंत्रता को एकजुट बनाए रखने के लिए आजीवन लड़ाई लड़ी थी, लेकिन उन्होंने इस विभाजन को कभी नहीं सोचा था। दोनों भाग एक दूसरे का सम्मान करें वो चाहते थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये हुई कि उसी दिन जैसा कि हमने 26 जनवरी उनसे पहले उन्होंने मनाई थी, 1948 में मनाया होगा, 1900 क्या कहते हैं 26 जनवरी एक बार 1930 में मनाया था उन लोगों ने, 26 जनवरी 1930 में मनाया था उन्होंने ना, तो गांधी जी का मेन मकसद था कि हम भी वैसे ही 26 जनवरी मनाएं जैसा कि हमने पहले मनाया था। लेकिन हुआ क्या, 30 दिसंबर 1948 के दिन गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी। उसका सिर्फ और सिर्फ रीज़न ये था कि गांधी जी जनवरी की शाम को वही अपनी जो दैनिक जो प्रार्थना सभा होती है उससे आ रहे थे, और एक युवा था उन्होंने गोली मारकर हत्या कर दी, और उसके बाद जो हत्यारा था यानी कि जो नाथूराम गोडसे था उन्होंने गोली मारने के बाद अपने आप को सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने के बाद गोडसे जो थे वो कहना ये चाहते थे, वो संपादक थे एक्चुअली, और वो बोलना ये चाहते थे कि गांधी जी जो थे मुसलमानों के अपील करता थे और वो कभी भी हिंदुओं के बारे में नहीं सोचते थे, क्योंकि जबकि जबकि क्या कहते हैं देश के अंदर उस समय ऐसा माहौल बना हुआ था कि गांधी जी हर किसी को क्या कहते हैं प्रिय थे और गांधी जी हर किसी के बारे में सोचते थे, और उस समय पे नाथूराम गोडसे ने बदले के चक्कर में या बिल्कुल आप कहते हैं एग्रेसिव होके उसके चक्कर में उनको मार दिया। सिर्फ और सिर्फ रीज़न ये था कि ये दुख की बहुत बड़ी बात है कि उस टाइम पीरियड पे देश के अंदर इतना तगड़ा माहौल बना हुआ था और इसके ऊपर कोई स्टेप नहीं लिया गया, और गांधी जी कभी भी ऐसी आज़ादी के बारे में कुछ नहीं सोचते थे कि अगर हमारा भारत आज़ाद होगा तो उसके ऐसे ऐसे टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो नाथूराम गोडसे जो है वो हिंदुत्ववादी व्यक्ति था जिसने गोली मारकर इसलिए हत्या कर दी क्योंकि बस उन्हें ये लगता था कि ये मुसलमानों के बारे में ज़्यादा सोच रहे थे।
जिस समय गांधी जी की डेथ हुई, देश पूरा शोक में डूबा हुआ था। चारों तरफ पूरा, क्या कहते हैं, माहौल बना हुआ था, शोक का माहौल बना हुआ था। और टाइम्स मैगजीन, जो उस समय पे टाइम्स मैगजीन जो है, उस टाइम्स मैगजीन ने स्पेशली गांधी जी को श्रद्धांजलि दी और ये कहा कि गांधी जी का मरना सेम टू सेम वैसा ही मरना है जैसे कि अमेरिका के अंदर अब्राहम लिंकन का मरना है। क्योंकि उस टाइम पीरियड पे गांधी जी जो थे हमारे देश के लिए अब्राहम लिंकन की ही तरह थे, क्योंकि उनकी भी हत्या कर दी गई थी और इनकी भी हत्या कर दी गई थी, है ना। तो देखिए, गांधी जी को समझना ना इतनी आसान बात नहीं है। गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति, एक हार्ड और मास के व्यक्ति बने हुए थे, जो क्या कहते हैं, इस धरती पे दोबारा जन्म नहीं ले सकता ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पे गांधी जी जो है, उनका राजनीतिक करियर और राष्ट्रीय आंदोलन जो था, वो पूरी जिंदगी इन्होंने इसी पे समर्पित हो गए। और अगर हम गांधी जी के बारे में जानना चाहते हैं तो उन्हें जानने के लिए हमारे पास ज़्यादा स्रोत नहीं थे। कुछ ऐसे स्रोत थे जिनसे हम पता कर सकते थे, जैसे कि सार्वजनिक आवाज़ और निजी आलेख जो थे, यानी कि जो स्क्रिप्ट लिखते थे वो, उससे हमें गांधी जी के पर्सनल जीवन के बारे में पता चल सकता है कि गांधी जी किस टाइप के व्यक्ति थे। वैसे तो गांधी जी ने पूरा टाइम पीरियड अपना समाज सेवा के अंदर लगा दिया, लेकिन महत्वपूर्ण स्रोत जो है उनके लेखन और उनके भाषण, ये आपके किताब में है, आप किताब से पढ़ भी सकते हैं। इनके जो लेख थे, इनके जो भाषण थे, उसमें जो इनकी अभिव्यक्ति होती थी वो खुद की होती थी, और इससे हम गांधी जी के निजी लाइफ के बारे में हम पता कर सकते हैं। अब उसमें अंतर बनाए रखने के लिए जनता के लिए अलग लेटर होता होगा, अपने लिए पर्सनल एक अलग लेटर होता होगा, डायरी एंट्री कुछ अगर गांधी जी करते होंगे, है ना। तो निजी पत्र जो है उसमें उनकी निजी झलक के बारे में, विचारों के बारे में झलक दिखाई देती होगी, ठीक है। तो कई पत्र ऐसे होते थे जो उनके व्यक्तिगत बेसिस पे होते थे, और कई पत्र ऐसे होते थे जो दूसरे व्यक्तियों को लिखते थे वो, है ना। तो इन पत्रिकाओं को क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था, और इससे गांधी जी के रियल लाइफ के बारे में पता चलता था, ठीक है। दूसरा ऑटोबायोग्राफी बोल सकता हूँ मैं, ऑटोबायोग्राफी उस टाइम पे जिन्होंने लिखी होगी गांधी जी के बारे में। तो आत्मकथा एक ऐसा अतीत का लेखा जोखा है जो मानव के क्या कहते हैं, विस्तार के बारे में, उसके जीवन के बारे में बताता है। वह बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताता है जो उसकी स्मृति में लिखी हुई है ना। वो लेखन के बारे में बताता है, वो महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बताता है, साथ साथ वो ये भी बताने की कोशिश करता है कि व्यक्ति किस टाइप का व्यक्ति होगा। तो आत्मकथा लेखन स्वयं के बारे में एक तस्वीर तय करता है, और इसमें इन खातों को पढ़ने के लिए हमें प्रयास करना होगा और देखना होगा कि लेखक क्या बताना चाहता है, वो चुप्पी में क्या समझाना चाहता है ना। ऑटोबायोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कुछ सरकारी रिकॉर्ड्स भी हो सकते हैं जिससे गांधी जी के बारे में एग्जैक्ट पता चल सकता है। महत्वपूर्ण स्रोत जैसे कि मैंने टाइम्स मैगजीन बता दिया, और उस टाइम पे जो अधिकारी होते थे देश के अंदर, उन्होंने कुछ लिखा होगा, है ना। इन सब से पता चल सकता है कि गांधी जी किस टाइप के व्यक्ति थे। दूसरा न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के अंदर न्यूज़पेपर वालों के खुद के थॉट्स हो सकते हैं, खुद के विचार हो सकते हैं, खुद के व्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन देखा जा सकता है कि न्यूज़पेपर भी एक माध्यम हो सकता है जिससे हम गांधी जी के बारे में समझ सकते हैं, ठीक है। सो गाइज, चैप्टर ख़त्म हो चुका है, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ईट पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ईट पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे। क्योंकि पढ़ेगा इंडिया, जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में, वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।